डीयू में हम इंसर्ट टाइप के, ये इंसर्ट टाइप पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कमेंट्स ग्रुप और हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कमेंट्स ग्रुप। कमेंट्स ग्रुप में हम किसी भी वर्ड को, किसी भी लाइन को या किसी भी पैराग्राफ को कमेंट दे सकते हैं। ये सपोज करो हमने यहाँ पे सर्च को कमेंट देना है, ये सर्च को सिलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पे गया, यहाँ पे जाने के बाद सर्च पे यहाँ पे मैंने लिखा ये फाइंड, ये इसको कमेंट दिया। एक वर्ड को कमेंट दे सकते हैं ये, या हम लाइन को भी कमेंट दे सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे एक लाइन मैंने सेलेक्ट की, ये लाइन सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पे गया, ये कमेंट पे गया। इसके बाद यहाँ भी हम कमेंट दे सकते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट लाइन, ये मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया। लाइन के बाद अगर हम चाहते हैं कि पैराग्राफ को हमने कमेंट देना है ये, तो ये सारा पैराग्राफ हमने सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद कमेंट पे गए, ये सारा पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं, जैसे रीड दिस पैराग्राफ, रीड दिस पैराग्राफ, यहाँ पे हमने इसको कमेंट दे दिया। ये तो इस प्रकार हम किसी वर्ड को, किसी लाइन को या पैराग्राफ को कमेंट दे सकते हैं। ये तो इसके बाद अगर इसके, ये देखो ये यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया, अगर हम अगले कमेंट पे जाना चाहते हैं ये, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, ये देखो अगले कमेंट पे चले गए। इससे अगले कमेंट पे जाना है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ये नेक्स्ट किया, ये देखो अगले कमेंट पे आ गए। अगर पिछले कमेंट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक किया प्रीवियस, ये देखो पिछले कमेंट पे चले गए। इससे पिछले कमेंट पे जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक किया प्रीवियस, ये देखो पिछले कमेंट पे आ गए। तो इस प्रकार हम आगे पीछे ये कमेंट पे जा सकते हैं। ये इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, अगर हम चाहते हैं कि ये कमेंट डिलीट करना है ये, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। ये देखो कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हमने करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये भी डिलीट हो गया, ये तो ये दूसरा डिलीट हो गया। तो इस प्रकार हम जितने भी ये कमेंट हैं, इनको डिलीट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन यहाँ पे ओपन करेंगे। ये देखो डिलीट ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कमेंट सेक्शन हो गया ये। तो इसके बाद है हेडर एंड फुटर ग्रुप। तो सबसे पहले है हेडर। हेडर का मतलब क्या होता है, ये हेडर का मतलब ये होता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हेडिंग देना है, ये जो टॉप वाला होता है ये, इसमें क्या करना है हमें, हेडिंग देना है। ये फुटर का मतलब होता है ये, जैसे पेज का ये ऊपर वाला पार्ट, ये हेडर हो गया, ये नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट, ये पार्ट हम पेज का, ये फुटर हो गया। तो हेडर, हेडर में कुछ हमने लिखना है, ये सपोज करो हेडिंग देना है, ये लिखना है ये, तो ये स्टाइल आएंगे यहाँ पे। हेडर पे क्लिक किया हमने, ये देखो फर्स्ट है ये, जैसे सपोज करो हम ये फर्स्ट वाला लेते हैं, ये फर्स्ट वाला ये स्टाइल लिया मैंने यहाँ पे, ये हेडर यहाँ पे लिखने के लिए कुछ आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी हेडर यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिखा, ये बायस ज्ञान टेक, ये मैंने अपने चैनल का नेम यहाँ पे लिखा। तो नेम ये जो लिखा मैंने, ये नेम जो है सभी जितने भी मेरे पेज होंगे यहाँ पे, सभी में आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट वाला पेज, अब ये नीचे सेकंड वाले पेज में भी ये आ गया हेडर, इसके नीचे ये थर्ड वाले पेज में भी हेडर आ गया। तो इस प्रकार हम हेडर सभी ये पेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ये अगला पेज यहाँ भी हेडर ये अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार ये स्टाइल पहले वाला लिया और इस स्टाइल में आ गया ये। इसके बाद अगर हम और स्टाइल लेना चाहते हैं, ये देखो तीन वाला, ये तीन कॉलम वाला, ये
ये स्टाइल ये है, ये देखो यहाँ पे लिखने के लिए आ जाएगा। ये सभी पेजेस हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे वन लिखा, इसके बाद आगे यहाँ पे क्लिक किया, टू लिखा, आगे थ्री लिखा। सपोज करो ये मैंने हेडिंग यहाँ पे दे दी, तो ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। ये देखो दूसरे पेज में, तीसरे पेज में और ये चौथे पेज में। तो इस प्रकार ये सेकंड स्टाइल हमने यहाँ पे चूज़ किया ये। इसके बाद आगे इसके और भी स्टाइल हैं यहाँ पे, ये देखो और भी, जैसे कलर में लेना चाहते हैं ये तो कलर में भी आ जाएगा। ये सभी स्टाइल हैं ये देखो, ये जितने भी स्टाइल हैं उसमें आ सकते हैं ये। सपोज करो हमने इसमें लिया ये देखो ये स्टाइल आ जाएगा। अब यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं, सपोज करो यहाँ पे भी मैंने अपने चैनल का नाम लिखा ज्ञान टेक बायस ज्ञान टेक, तो ये चैनल का नाम लिखा। ये जो है सभी में आ जाएगा, सभी पेजेस में आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट वाला ये स्टार्टिंग यहाँ पे ये आ जाएगा। ये देखो सभी पेजेस में जितने भी हैं ये पेजेस सभी में ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हेडर। इसके बाद इंसर्ट पे जाने के बाद हेडर पे और हमारे पास ये ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ये तो एक तो है ये, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सपोज करो इसकी बायस ज्ञान टेक, यहाँ से एडिटिंग करनी है तो एडिट करना है, तो एडिट करना कैसे है ये, इसके लिए ये जैसे बायस ज्ञान टेक यहाँ पे मैंने बायस लिखना है तो एडिट कैसे करना है ये, हेडर यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद एडिट हेडर यहाँ पे जाना है मैंने। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ पे बायस लिखा ये देखो, तो बायस जो है ये सभी पेजेस में बन के आ जाएगा। ये देखो ये दूसरा पेज, ये सभी पेजेस में ये बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये तो ये एडिट हो गया ये। इसके बाद है ये हमारा, जैसे ये रिमूव, ये जो कभी कभी क्या होता है कि हमें बोला जाता है कि ये जो आपने हेडिंग दिया हुआ है इसको रिमूव करो, तो रिमूव कैसे करना है ये, हमने यहाँ पे हेडर पे जाना है। ये हेडर पे जाने के बाद रिमूव हेडर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये जो हेडर है ये रिमूव हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो हेडर यहाँ से चला गया, जितने भी पेजेस हैं वहाँ पे ये चला जाएगा, ये देखो सभी में चला गया। तो इस प्रकार ये हेडर का काम है ये। इसके बाद फुटर, फुटर भी जैसे हमने अप्लाई हेडर किया वैसे ही फुटर होता है। फुटर का मतलब ये होगा कि ये पेज है ये हमारा, इसके नीचे आ जाएगा, ये फुटर के नीचे कुछ लिखना है ये स्टाइल आ जाएगी। तो फुटर का मतलब नीचे, पेज के नीचे यहाँ पे लिखना है कुछ, वो होता है फुटर। यहाँ पे हमने फुटर पे क्लिक किया, फुटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ भी स्टाइल आ जाएंगे। सपोज करो हमने फर्स्ट वाला लिया ये देखो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये जो है पेज का है ये नीचे वाला पार्ट, ये टॉप वाला पार्ट है ये हेडर, ये नीचे वाला पार्ट है ये फुटर। यहाँ पे अब हम कुछ लिख सकते हैं, ये सपोज करो यहाँ पे मैंने बायस ये एस वाई ये लिखा, तो एस वाई यहाँ पे लिखा, ये सभी पेजेस में एस वाई आ जाएगा। ये देखो ये जितने भी हैं ये एस वाई कहाँ पे आ गए, ये हमारा फुटर है ये। तो इस प्रकार फुटर में हम लिख सकते हैं ये। इसके बाद अगला है ये हमारा फुटर में ये स्टाइल है, तीन स्टाइल में चाहिए या कोई और स्टाइल, यहाँ पे ये देखो बहुत से स्टाइल हैं। सपोज करो इस स्टाइल में चाहिए, ये देखो ये स्टाइल आ जाएगा, इस स्टाइल में चाहिए। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ये फर्स्ट ये जो पेज है हमारा यहाँ पे लिखा, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बायस ज्ञान टेक ये लिखा,
तो ये जितने भी पेज हैं ये इस स्टाइल में बन के आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट वाला पेज है, ये सेकंड वाला पेज है, ये बायस ज्ञानटेक, ये थर्ड वाला पेज है, ये फोर्थ वाला पेज है। तो इस प्रकार ये फुटर में आ जाएगा। तो इसके बाद इंसर्ट के फुटर में ये अगर इसको भी एडिट करना चाहते हैं, हम फुटर को एडिट करना चाहते हैं तो ये भी हम कर सकते हैं जैसे हमने हेडर को किया। इसके बाद है रिमूव, ये हमने हटाना है, ये जो हमारा फुटर है ये हटाना है, तो हम रिमूव पे क्लिक करेंगे। ये देखो रिमूव पे क्लिक किया, ये जो हमारा फुटर था यहाँ से हट गया। ये जितने भी पेजेस हैं वहाँ से ये फुटर हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार हम हेडर का यूज़ और फुटर का यूज़ कर सकते हैं। ये हेडर एंड फुटर ग्रुप में अगला है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर का मतलब ये होता है कि हमने कितने पेज बनाए हुए हैं। कभी कभी हमें प्रिंट चाहिए तो प्रिंट में ये पता नहीं चलता है कि ये पेज हमारा कौन सा है और अगला पेज कौन सा है। अगर हमने नंबरिंग दी हुई है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा पहला पेज है, अगला दूसरा पेज है, उससे अगला तीसरा पेज है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पेज नंबरिंग यहाँ से सेट करते हैं। तो ये देखो जैसे पेज नंबर यहाँ से मैंने क्लिक किया, टॉप ऑफ द पेज, ये जो नंबर नंबरिंग है यहाँ से नंबर है, जो पेज का नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कहाँ से आना चाहिए, टॉप ऑफ द पेज, ये हमारा टॉप यहाँ पे आना चाहिए, टॉप ऑफ द पेज। ये स्टाइल है कि हमारा जो पेज नंबर है लेफ्ट साइड टॉप में लेफ्ट साइड से आना चाहिए। ये देखो ये टॉप लेफ्ट साइड पेज नंबर आ गया। अब जितने भी पेज हैं हमारे पास उसमें ये नंबर अप्लाई हो जाएगा। ये फर्स्ट, ये पेज फर्स्ट है, ये अगला देखो सेकंड अपने आप ही आ जाएगा, ये इससे अगला थर्ड अपने आप ही आ जाएगा, ये देखो थर्ड, इससे अगला जो होगा वो अपने आप ही नंबर आ जाएगा, ये फोर्थ। तो इस प्रकार यहाँ पे हम पेज नंबर सेट कर सकते हैं। तो ये जो पेज नंबर सेट हुआ है ये टॉप में सेट हुआ है। तो इससे अगला है हमारे पास ये आगे स्टाइल है, इसके भी और बहुत से स्टाइल हैं, जैसे ये सभी देखो ये स्टाइल आ रहे हैं। ये जैसे किस स्टाइल में चाहिए, जैसे ये स्टाइल सपोज करो ये सेंटर में दिया हुआ है, इस स्टाइल में चाहिए पेज नंबरिंग। ये देखो अब ये हमारा फोर्थ पेज है, ये थर्ड पेज है, ये इससे ऊपर सेकंड पेज है, ये देखो इस स्टाइल में आ जाएगा। ये तो जो भी हमारी चॉइस है कि इस स्टाइल में ये पेज नंबर आना चाहिए वो स्टाइल हमने यहाँ से चूज कर लेना है। इससे आगे हमारा अगला बॉटम, ये तो हो गया टॉप। टॉप में ये अगर हमने हटाना है ये पेज नंबरिंग, तो इसके लिए भी क्या करना है हमने यहाँ पे रिमूव पेज नंबर, ये देखो पेज नंबर हट जाएगा। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास बॉटम ऑफ पेज, इसका मतलब ये है कि पहले तो टॉप, ये हमारा टॉप, ये जो पेज है ये टॉप, अब क्या करना है, ये जैसे ये है हमारा बॉटम ऑफ द पेज, यहाँ पे हमने ये पेज नंबरिंग सेट करनी है। तो हमने क्या करना है, पेज नंबर पे जाना है, बॉटम ऑफ द पेज, ये स्टाइल है, ये सपोज करो सेंटर में करना है, ये देखो ये स्टाइल लिया मैंने, तो ये आ जाएगा। ये तो ये फर्स्ट वाला पेज हो गया हमारे पास, ये देखो अगला सेकंड अपने आप ही आ जाएगा, ये देखो सेकंड आ गया, ये इससे आगे देखो ये थर्ड आ गया पेज, ये कहाँ पे आ रहा है, ये बॉटम, बॉटम ऑफ द पेज में, तो ये देखो फोर्थ पेज। तो इस प्रकार हम ये बॉटम में भी अपना जो पेज नंबर है वो सेट कर सकते हैं। इससे अगला हमारे पास ऑप्शन है ये, अगर हम चाहते हैं कि पेज मार्जिन, पेज मार्जिन, ये देखो पेज मार्जिन, ये ऑप्शन मैंने सपोज करो ये ऑप्शन लिया, ये मार्जिन, यहाँ से पेज नंबर आ जाएगा। ये देखो मार्जिन पे यहाँ पे पेज नंबर सेट हो गया, पेज फर्स्ट, इसी प्रकार दूसरे पेज में यहाँ पे दूसरा पेज होगा पेज, और यहाँ पे सेकंड होगा, इसी प्रकार तीसरा पेज जब निकालेंगे स्क्रॉल करेंगे तीसरे में भी ऐसे स्टाइल में आ जाएगा। ये फर्स्ट स्टाइल हो गया, ये सेकंड, इसी पेज मार्जिन यहाँ पे सेट हो गया, ये थर्ड के लिए पेज मार्जिन यहाँ पे सेट हो गया, ये
ये फोर्थ के लिए सेट हो गया। तो ये भी हमारी चॉइस है कि हमने कौन सा स्टाइल यहाँ से लेना है। इसके बाद है हमारे पास अगला करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हमने ये जो जहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, हम चाहते हैं कि वहाँ से पेज नंबर आए। सपोज करो हमें यहाँ से चाहिए जो पेज नंबर है, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हमें पेज नंबर चाहिए। तो यहाँ पे करंट पोजीशन यहाँ पे हमने ये स्टाइल लिया, ये देखो स्टाइल लिया। तो ये स्टाइल जो है, या ये स्टाइल लिया या ये स्टाइल लिया, कोई भी स्टाइल हम यहाँ से ले सकते हैं। सपोज करो मैंने ये वाला ले लिया, ये देखो ये पेज फर्स्ट। तो इस प्रकार ये जो हमारी करंट पोजीशन है वहाँ से पेज नंबरिंग आ जाएगी। इससे अगला हमारे पास ऑप्शन है ये देखो फॉर्मेट पेज नंबर। फॉर्मेट पेज नंबर का मतलब है यहाँ पे हम अपनी स्टाइल से, जैसे एबीसी में कैपिटल में, कैपिटल एबीसी में या स्मॉल एबीसी में या रोमन में सेट करना चाहते हैं तो वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट पेज नंबर यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे नंबर फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएंगे। ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए, ये स्टाइल चाहिए। सपोज करो ये जो पेज नंबरिंग है मैंने कैपिटल एबीसी में चाहिए, तो यहाँ पे कैपिटल एबीसी सेट कर दिया मैंने, ओके किया। तो ओके करने के बाद ये जो पेज नंबर है, ये टॉप ऑफ द पेज, ये देखो यहाँ पे ये लिया मैंने, सेंटर में लिया सेकंड वाला, तो ये देखो कैपिटल एबीसी में ये आ जाएगी। तो इस प्रकार हम कैपिटल में ले सकते हैं ये, या रोमन में चाहिए, ये सेकंड वाला पेज है, ये अगला सी आ जाएगा, थर्ड वाला पेज, अगला डी आ जाएगा, फोर्थ वाला पेज। तो ये हमारी मर्जी है कि हमने किस स्टाइल में पेज नंबरिंग चाहिए। तो इससे आगे जो है हमारे पास ये फॉर्मेट पेज नंबर, यहाँ पे हमने सपोज करो ये रोमन यहाँ पे सिलेक्ट किया, ओके किया, ये देखो रोमन में आ जाएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड पेज, ये हमारा थर्ड पेज और ये हमारा फोर्थ पेज। तो इस प्रकार यहाँ पे हम एक दो तीन में सेट कर सकते हैं, या हम कैपिटल एबीसी में या स्मॉल एबीसी में या रोमन में हम अपना पेज नंबर सेट कर सकते हैं। तो आज हमने कमेंट्स ग्रुप के बारे में और हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।